नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट में लगी 26 एजेंडों पर मुहर, ऐसा होने पर तुरंत ही रोकना होगा बालू खनन। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट ने निकाली रिक्तियां। चाय वाले के बाद पटना की चाय वाली ने खींचा सबका ध्यान। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने फिर से दिया धरना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट में लगी 26 एजेंडों पर मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बीते दिन बुलाई। मुख्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति दी है। मंडलकारा औरंगाबाद के नए भवन निर्माण के लिए 25,82,97,000 की स्वीकृति दी गई। बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मनोज झा, कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। सिकंदरा के तत्कालीन अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार भारती को सेवा से बर्खास्त किया गया। राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 के आलोक में बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट पटना ने रसोईया, धोबी, नाई, सफाई वाला, बढ़ई के कुल मिलाकर 12 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक पास के साथ अच्छा ज्ञान और प्रासंगिक ट्रेड या नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 13 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। ऐसा होने पर तुरंत ही रोकना होगा बालू खनन। बालू खनन के दौरान अगर डॉल्फिन या फिर घड़ियाल गंगा या उनकी सहायक नदियों में दिखता है तो तत्काल बालू निकालने की प्रक्रिया रोक देनी है। उसके बाद स्थानीय जिला वन पदाधिकारी को सूचित करने के बाद आगे कोई कदम उठाना है। इसको लेकर जिला खनन पदाधिकारी की तरफ से परामर्श मांगे गए हैं और इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई है। इसको लेकर कई जिला खनन पदाधिकारी ने अपने जिलों में डॉल्फिन की सघन स्थिति वाले केंद्रों की जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी मांग की है। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए मॉडल डीड से रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य। बिहार की नीतीश सरकार बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को सुलभ बनाने में लगी हुई है। यही कारण है कि कुछ समय पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। वहीं अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंप ड्यूटी की राशि में 1% या अधिकतम 2,000 रुपए की छूट भी दी जाती है। मॉडल डीड के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहयोग के लिए ही निबंधन कार्यालय में भी मे आई हेल्प यू बूथ भी खोला गया है। वहीं अब बिहार के सभी 125 निबंधन कार्यालय में होने वाली कुल रजिस्ट्री में कम से कम 20% मॉडल डीड में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के अवर निबंधकों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। बिहार में ऐसे कंट्रोल होगा AES और JE। गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही बिहार में AES और JE के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार भी अस्पतालों में गर्मी के सितम के साथ ही मरीज भी बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद ही अब बिहार में इसे कंट्रोल करने की खास तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही अब इस पर नियंत्रण लाने के लिए बिहार सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। और आदेश किए गए जारी के तहत बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी सभी सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन देनी होगी। राज्य में AES और JE से प्रभावित होने वाले 12 जिलों के सिविल सर्जनों को सघनता पूर्वक जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक थे। वो हिंदी के नकेनवाद आंदोलन में 3 पुरस्कर्ताओं में से एक थे। नलिन जी का जन्म भारद्वाज गोत्र के सरयू पारनीय ब्राह्मण कुल में विक्रम स्वतः 1972 माघ शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 18 फरवरी सन 1916 ईसा को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 साल की आयु में 12 सितंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णात विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वो हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए थे।
बिहार में हवाई अड्डों की मौजूदा स्थिति पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बिहार में हर दिन के साथ विमानों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ही बिहार सरकार भी बिहार में एयरपोर्ट का विकास करने में जुटी हुई है। हालांकि कुछ एयरपोर्ट की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ सवालों के घेरे में बनी हुई है, जिसमें पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना समेत राज्य के कई एयरपोर्ट शामिल है, जिस पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विभिन्न एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण के संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी राज्य में एयरपोर्ट के लिए किए जा रहे सर्वे का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंगल पांडे ने बिहार में पिछले 6 सालों में मलेरिया के मामलों में कमी आने की कही बात। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पिछले 6 सालों में बिहार में मिलने वाले मलेरिया के मामलों को लेकर बड़ी जानकारी दी है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में राज्य में मलेरिया के केस में भारी कमी आई है। राज्य में साल 2015 की तुलना में साल 2021 में 84% मलेरिया के केस में कमी दर्ज हुई। राज्य में साल 2021 में कुल 3,04,635 लोगों की मलेरिया की जाँच की गयी। इसमें महज 647 लोग ही मलेरिया से पीड़ित मिले, जबकि 2015 में इस रोग से 4,000 लोग पीड़ित मिले थे। वर्ष 2021 में राज्य के सभी 38 जिलों में से 6 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित नहीं मिला। बिहार में मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के दक्षिणी बिहार के साथ ही उत्तर पश्चिम भाग के कुछ जिलों में भी लू का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क होने के साथ गर्म पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो पछुआ हवा, गर्म हवा का प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में गर्म हवा का प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में गर्म हवा का प्रवाह जारी रहेगा। दक्षिण बिहार के 10 शहरों में लू का प्रभाव भी जारी रहने वाला है। वहीं उत्तर पूर्व जिलों में 72 घंटों के दौरान मेघ गर्जन और बिजली चमकने की और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सहरसा के बाबा जी कुटी बनगांव में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 18वीं शताब्दी में बनगांव के उत्तर में स्थित गांव परसरमा ने जन्मे लक्ष्मीनाथ गोसाई को आदर से बाबा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। बाबा जी साधु, योगी, दार्शनिक, कवि, लोक सेवक और चमत्कारिक शक्तियों के धारक थे। उनकी असाधारण शक्ति, लोक सेवा और गांव के लोगों की उन्नति के प्रयासों की वजह से लोग उन्हें ईश्वर का रूप मानते थे और ईश्वर की तरह नित्य पूजा करते थे। हाल ही के वर्षों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाबा जी के मंदिर में आशीष लेने जा चुके हैं। बाबा जी कुटी का प्रसिद्ध स्थान सहरसा जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके तहत लक्ष्मण नाथ गोसाई के अवशेषों को संरक्षित रखा गया है। जनता दरबार में नहीं मिली एंट्री तो सीएम नीतीश से लगाई मदद की गुहार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान ही सीएम नीतीश ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस दौरान एक अनोखा वाकया भी देखने को मिला। जब पटना के दुल्हिन बाजार से पहुंचे कमल परवेज शर्मा अपने भाई की दुर्घटना में जान जाने के बाद परिवार को मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे और मुख्यमंत्री से इसलिए गुहार भी लगाने आए थे। 2 साल पहले ही उनके भाई की जान गई थी और अब उनकी विधवा और छोटे बच्चों के लिए कमल परवेज शर्मा ने मदद की गुहार लगाई है। चायवाले के बाद अब पटना की चायवाली ने खींचा सबका ध्यान। चाय बेचना लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टअप में से एक बन गया है। पढ़े लिखे लोग आज चाय बनाने का काम कर रहे हैं और दुकान खोल रहे हैं। हालांकि अब तक इस रेस में केवल लड़कों का नाम ही सामने आया था, वहीं अब पटना की एक चाय वाली भी सुर्खियों में आ गई है। पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। पूर्णिया की रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना वुमेन्स कॉलेज के पास में ही एक चाय का ठेला लगाकर चाय बेचती है। जनता दरबार में लगे आरोप पर सुभाष यादव ने दी सफाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद सुभाष यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों के मामले में सफाई दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जनता दरबार में पहुंचे युवक ने सुभाष यादव के ऊपर 60 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया, जिस पर अब सुभाष यादव ने सफाई दी है और कहा है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। सुभाष यादव के मुताबिक उन्होंने जमीन के मामले में जो भी लेन देन किया उसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। सुभाष यादव ने कहा है कि 32 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किए, इसका पूरा डिटेल भी उन्होंने सार्वजनिक किया हुआ है। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने फिर दिया धरना। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का गुस्सा हर दिन के साथ फूटता ही जा रहा है। बीते दिन भी इसी के तहत ये सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने उतरे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार एसटीईटी पास छात्रों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है,
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बिहार में शिक्षक का नियोजन चल रहा है लेकिन हाईस्कूल शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सरकार बार बार सिर्फ आश्वासन देती है लेकिन बहाली की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है। वो शिक्षा मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारी से गुहार लगाए लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, जिसके चलते उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। वो इस भीषण गर्मी में भी धरने पर बैठी है तो इसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है जो उनकी मांग को नहीं मान रहे। कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर सीएम नीतीश ने पत्रकारों के सामने जोड़ा हाथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सूबे के पत्रकारों से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए, जिसके तहत उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वो राज्य भर की जनता को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अलर्ट करना शुरू कर दे। साथ ही अभी जो मौसम है उसी में लोगों को सतर्क रहने को लेकर जागरूक करे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। सीएम नीतीश ने पत्रकारों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि फिर से आप सबों से कि जरा लोगों को अलर्ट करिएगा, ये चौथी बार आने के चक्कर में है, ऐसे में आप सभी लोगों को अलर्ट कराइए। पीएम करेंगे बिहार के इस डीएम को सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार में काम करने वाले एक और जिलाधिकारी को सम्मानित करने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सिविल सर्विसेज डे के मौके पर यानी कि 21 अप्रैल को उन्हें सम्मानित किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के जिस डीएम को सम्मानित करने की तैयारी हो रही है उनका नाम है कुंदन कुमार। कुमार फिलहाल बेतिया के जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, वहीं इन्हें इनोवेशन के क्षेत्र में दिल्ली में ये सम्मान मिलना तय है। बता दें कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार लौटे कामगारों के लिए चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी, जिसकी सफलता को राज्य सहित केंद्र स्तर पर पहचान मिली है। पशुपति पारस ने भतीजे पर लगाए आरोप। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर आम बात है, साथ ही राजनीति के सामने परिवार के रिश्तों पर भी उंगली उठना आम हो गया है, जिसमें ही एक उदाहरण है लोजपा परिवार में पड़ी फूट। स्वर्गीय रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद परिवार के साथ साथ पार्टी के भी दो टुकड़े हो गए, जिसके बाद से ही चाचा भतीजा एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग भी आए दिन देखने को मिल जाती है। इसी बीच अब चाचा ने भतीजे पर आरोप लगाया है, जिसके तहत ही पशुपति पारस ने सोमवार को भतीजे चिराग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिराग पासवान ने उनको धमकी दी थी कि वो पशुपति को लोजपा से 6 साल के लिए निलंबित कर देंगे। चिराग ने ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पशुपति ने नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को जेल भेजना भी चाहते हैं। बिहार का थावे मंदिर बनेगा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का काम हो रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के ही शक्तिपीठों में शामिल गोपालगंज के थावे मंदिर का स्वरूप ही बदलने जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। पर्यटन विभाग के आदेश पर ही थावे मंदिर को नए ढंग से बनाया जाएगा। थावे मंदिर बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इसी के चलते राज्य सरकार इसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के द्वारा मंदिर का डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। इस मंदिरों को और भी अधिक दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। इस निर्माण कार्य में लगभग 2 करोड़ तक पर्यटन विभाग के द्वारा खर्च किया जाएगा। बिहार सरकार ने अफसरों से 17 बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट। बिहार के नीतीश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें ही कोई कसर ना रहे इसके लिए अब पंचायत स्तर पर अफसरों के भ्रमण के बाद अब सरकार ने इन अफसरों से 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। अफसर रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर देंगे लेकिन उन्हें योजनाओं की 0 से 5 के अंकों में रेटिंग करनी होगी। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि पोर्टल इसी महीने के अंदर तक काम करना शुरू कर देगा, जिसके बाद अफसरों को लॉगिन और पासवर्ड मुहैया कराया जाएगा। बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल परीक्षा में जूतों की नो एंट्री। जल्द ही बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल परीक्षाओं का आयोजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बिहार बोर्ड की तैयारियां भी तेज है, जिसके बाद ही 25 अप्रैल से 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। वहीं परीक्षा को लेकर बोर्ड ने भी अब स्थितियों को अब साफ कर दिया है, जिसके तहत ही बोर्ड ने साफ कहा है कि परीक्षा केंद्र में केवल उन्हीं छात्रों को एंट्री दी जाएगी जो चप्पल पहनकर जाएंगे, यानी कि परीक्षा में जूते मोजे पहनने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। जो भी छात्र जूते मोजे में जाएंगे उन्हें या तो एंट्री नहीं मिलेगी या फिर उन्हें नंगे पैर ही परीक्षा देनी पड़ सकती है। प्रशांत किशोर के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर बातचीत की। इस दौरान ही मीडिया से बातचीत के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ काम करने की चर्चा को लेकर सीएम ने कहा कि कौन किसके साथ काम करे, राजनीतिक रूप से सभी स्वतंत्र है। जहां तक प्रशांत किशोर का मेरे साथ संबंध की बात है तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है। जब हम बीमार पड़े तो उन्होंने फोन किया था, जब दिल्ली गए थे तो मिले भी थे। मेरे साथ उनके अलग अलग संबंध है लेकिन कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो पहले भाजपा के साथ थे, फिर हम लोगों के साथ आए, कई लोगों के लिए वो काम कर चुके हैं।
बिहार के कुछ शहरों में चापाकल ने छोड़ा पानी। बिहार में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बाद कुछ एक जिलों में जल संकट की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। राज्य मुख्यालय में इसकी खबरें लगातार देखने को मिल रही है। पीएचईडी के कंट्रोल रूम में दरभंगा, गया, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा सहित कई जिलों से शिकायत मिली है कि वहां के चापाकल ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में विभाग ने 49 जल शिकायत कोषांग का गठन कराया है। इसमें जल संबंधित शिकायतों को लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों तक शिकायतों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य मुख्यालय पर जल शिकायत का टोल फ्री 1800 123 1121 को जारी किया गया है, जो अब रविवार को भी काम करेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पहुंचे बिहार। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के जल्द ही ऐलान के दिए संकेत। बीते दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सह कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजधानी पटना पहुंचे। वहां से ही वो एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पटना से बख्तियारपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं अब उनसे पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही पूछा कि लाउडस्पीकर विवाद पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि देश सभी का है, सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री बने। तत्कालीन सोवियत रूस की मदद से 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। बीएसएफ ने 2001 में मेघालय से गांव से बांग्लादेशी सेना को मार भगाया। चीन की महिला भारोत्तोलक बांग मिंग चियान ने 2003 में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1864 में पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का जन्म हुआ। 1968 में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम का निधन 1933 में हुआ था। राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीता मैच। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करिश्मा कर दिखाया। यजुवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाए, साथ ही साथ आईपीएल 2022 की पहली हैट्रिक भी अपने नाम की है। आईपीएल के इतिहास में उनकी ये पहली हैट्रिक है, जबकि इस मैच में उन्होंने अपने करियर की सबसे अच्छी गेंदबाजी आईपीएल में की। उन्होंने 5 विकेट केकेआर के खिलाफ चटकाए। केकेआर के खिलाफ यजुवेंद्र चहल एक ही ओवर में 2 बार हैट्रिक पर आ गए। उन्होंने अपने कोटे के 3rd ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया था, जबकि 4th ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद वो हैट्रिक पर थे। हालांकि पहली बार वो हैट्रिक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसी ओवर में उन्होंने हैट्रिक अपने नाम कर लिया। वहीं बीते दिन खेले गए मैच में संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 के 30वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से मात दी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रहलाद कुमार, विकास कुमार सिंह, बीरू प्रसाद, पुष्प कुमार, रमन जी यादव, शंकर मुखिया, निरंजन यादव, राम नवमी मांझी, शमी आलम, जितेंद्र ठाकुर, सौरभ कुमार, राम कुमार, अशोक ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की संभावित 4th लहर को देखते हुए बिहार में दोबारा से कोरोना से बचाव के लिए नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।